ओम शांति। 28 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। बच्चे बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। आज की मुरली का प्रश्न है, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है, याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बाबा कहते जिन सोया तिन खोया। बंद कली ही रह जाती। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पाठधारी हैं। आज की मुरली का गीत है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो इसकी संभाल करनी है। कोई भी विकर्म अभी ना हो इसकी संभाल करनी है। 2nd पॉइंट, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है, अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है, अंदर बाहर साफ रहना है। आज की मुरली का वरदान है, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। विश्लेषण है, बैलेंस सबसे बड़ी कला है। बाबा कहते बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी।
हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर वन बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। बाबा कहते, बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। ओम शांति।